खैर तो आज हम बात करने वाले हैं, इंट्रो ही दे रहा हूँ। खैर तो आज हम बात करने वाले हैं जोकर 2 यानी कि फॉल या ड्यूल फिल्म की रिव्यू के बारे में, जिस पे ऑडियंस ने अपना रिएक्शन नहीं दिया था। तो अब ऑडियंस का भी फीडबैक लिया जाएगा फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोगों को फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे स्कोर दिए, 4-4 स्टार बटे भाई पिक्चर को। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, शायद से ऑडियंस से भी पूछेंगे, उनका ही पता चलेगा कि मैंने कोई गलत फिल्म देखी थी कि ऑडियंस ने अच्छी फिल्म देखी थी। चलो तो कौन शुरू करेगा, जोकर कितनी अच्छी लगी कितनी बुरी बताओ। अरे अजीब, पहले कौन शुरू करेगा? हेटर हो भाई, अजीब भाई आप हेटर हो, बताऊं क्यों? बोल भाई बोल, आप सच बोल लेते हो भाई, बाकी लोग सच नहीं बोलते। अरे लेकिन फिर भी समोसे वाला टैग तो मेरे को मिलता है, देखिए आई एम प्राउड। चलो अरे मैं कह रहा हूँ, जिसकी जिसकी लेगेसी के बारे में 5 साल बाद ही बात हो रही हो, तुमने उसकी लेगेसी की ऐसी तैसी कर दी भाई। देखा देखी पहले बता, थिएटर में देखी? थिएटर में देखी और क्या भाई, थिएटर में देखी है भाई, जो सुन रहा है थिएटर खाली होगा। अरे भाई भाई खेलो, आईमैक्स गया था उधर ही, वो भाई खेलो खेलो। नहीं प्रिया गया था वो भाई सर, नहीं प्रिया नहीं, नहीं नहीं वो चल चल ठीक है जी, बता एक्सपीरियंस। अगर क्या ही बोलूं अजीज भाई, मतलब ठीक, मतलब मेरे को लगा सही चल रही है ठीक है, पर ना वही ना, मतलब जोकर 1 से ना फिर ना वो बहुत डीप हो गई, मतलब मैं बोलूंगा कि ना भूल जाओ इसको, मतलब कि बनी हुई थी, यही सही रहेगा इसके लिए। आज मैं एक और अपडेट दे दूं, फिलिप टॉड ने आज बोला है कि आपने देखा होगा कि सेट पर कुछ उसके सीन वो हुए थे लीक, जो हुए थे वो हम लोग ने पिक्चर से काट दिए, खास करके वो स्टेयर्स पे चढ़ती है लेडी को किस करती है वो इतना बोलता है एब्रप्ट लग रहा था, ऐसे बहुत सारे सीन थे जो सब हम लोग ने निकाल दिए। लेकिन अगर तुम वो सेट की इमेजेस क्या वीडियो में भी देखोगे ना, तो वो सीन वो बंदी उसको हेट करती रहती है, अगर किसने देखा होगा तो, और वो उसका न्यूज़पेपर लेकर के खड़ी रहती है कि तेरी वजह से मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है ये हो रहा है, वो बंदी को देखती है और बाद में उसको किस करती है, सीधा ऊपर चली जाती है। बताओ सीन में क्या बुरा था, मतलब जो उन लोगों ने निकाल दिया। मैं कह रहा हूं टॉड फिलिप्स को कहना चाहिए था, हमने मूवी की आत्मा को मार दिया, वो जो बची है वो आपको दिखा रहे हैं। और अजीज भाई मैडम वेब से भी बेकार सिनेमा स्कोर मिला इसको, मैडम वेब से भी बेकार भाई स्कोर है। देखो उतना तो डिजर्व नहीं करती है, टेक्निकली मैं बोलूंगा मूवी का प्रोडक्शन के हिसाब से मैडम वेब से तो अच्छी थी, बहुत बहुत बोलते तगड़ी बन गई थी, और स्टूडियो को भी ये बात पता है कि 200 मिलियन खर्च करके उन लोगों ने बहुत तगड़ा प्रोडक्ट दिया है बनाने के लिए। लेकिन जब मूवी बनी थी वो कुछ और थी, और जो रिलीज हुई तो वो कुछ और है। ये बिहाइंड द सीन की डिटेल तुम लोगों को पता है? तो अजीब भाई कुछ एक्सटेंडेड कट मिलेगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा, एक्सटेंडेड कट आएगा नहीं, गलती भी नहीं रही। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इसकी, सब मैं बोल रहा हूं, हर सिनेमेटोग्राफी स्कोर और जो गाने थे उनको छोड़ दो भाई, बाकी जो बीजीएम शानदार थे पिक्चर के, टेक्निकल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अच्छी है, टेक्निकली फिल्म का टाइटल बहुत सोच समझ करके पहले लिखा गया था, कहानी लेकिन जो स्टोरी स्टोरी हमें मिली गई स्टोरी हमें मिली है ना वो टेक्निकली एक गलत स्टोरी है। फॉली या दू का मतलब होता है शेयर्ड मेंटल इलनेस या फिर शेयर्ड डिल्यूजन, बट हमें पूरी स्टोरी भर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये दिख रहा है कि भाई ये हाली का डिल्यूजन है। आर्थर से तो स्टोरी हट गई, तुमने गौर किया होगा जो जेल वाला सीन होता है, तो वहां पे हाली जोकर जोकर के मेकअप कर रही होती है, जोकर भी नहीं कहूंगा मैं उसे आर्थर कहूंगा, ठीक है। तो टेक्निकली ना उस पॉइंट से या फिर उससे थोड़ा आगे से आप ले सकते हो, तो वो इस तरीके से स्टोरी घूम जाती है कि अब ये हाली क्विन की स्टोरी है। हाँ। कि वो आर्थर फ्लिक में जोकर को देख रही है, बोल सकते तो प्रॉब्लम यहाँ से भी खड़ी होने लग गई कि भाई जब जोकर था स्टोरी, ठीक है, आपका प्राइम फोकस जोकर होना चाहिए था, और उसके साथ एसोसिएटेड दिखाते आप हाली को, आपने वहां से हटा के टारगेट को हाली के पर्सपेक्टिव से दिखाना चालू कर दिया, और उससे जोकर का पॉइंट वीक हो गया, क्योंकि अब वो आर्थर फ्लिक रह चुका है खाली, जो एक अच्छा है। टॉड फिलिप्स ने ना इसे जानबूझ के खराब किया है, टॉड फिलिप्स ने। नहीं नहीं मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मेरे पास है डिटेल, मैं बता, पर दिवंशु कंप्लीट कर लो। हां मैं वही कहना चाहता था कि जैसे फर्स्ट मूवी में जितना भी रिवॉल्व अराउंड था, हर चीज जो हर फिनोमेना हो रहा था वो सब आर्थर के अराउंड था, जिसने उसको पुश किया कि वो जोकर बने, बट यहां पे बिल्कुल ही इस तरीके से लग गया कि भाई जोकर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम दोबारा से एक मूवी देख रहे हैं जो रिबूट हो चुकी है, और अभी हाल ही की मूवी चल चुकी है, तो अब क्या था उनका प्लान? देखो ये जैसा तुमने बोला ना, तो ऐसा
थोड़ा हम ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली शेयर्ड जैसे शेयर्ड डिल्यूजन हुआ, ठीक है, फिल्म का टाइटल का मतलब जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जोकर जो है अपना, जोकर नहीं एक्चुअली आर्थर फ्लिक बोलेंगे मुझे, तो आर्थर फ्लिक जो है अपना एंड उसका जो दूसरा पर्सोना है जोकर है, तो उसके साथ में शेयर नहीं कर रहा है डिल्यूजन, क्योंकि जब तुम देखोगे हार्ली जब इंट्रोड्यूस भी नहीं होती है शुरू शुरू में, प्रिजन से जब उसे निकाल के ले जाते हैं तो रेन वाला सीन होता है और चारों अपने अम्ब्रेला जब खोलते हैं तो अम्ब्रेला ब्लैक होता है कलर सबका, राइट, एंड फिर ऊपर से जब ऊपर की तरफ जोकर लाइक आर्थर अपना फेस करता है एंड देन ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग थिंग्स, जब हार्ली हार्ली को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था और सारे अम्ब्रेला का कलर चेंज हो जाता है, तो एक हिसाब से डिल्यूजन ही है उसका, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हिज डिल्यूजन, राइट। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि टॉड फिलिप्स ने जानबूझ के खराब की, टॉड फिलिप्स ने उसे ये बात पसंद नहीं आई थी कि लोग आइडियलाइज कर रहे हैं वाले जोकर को जो पुराना वाला था फर्स्ट वाला, इसलिए उसने ये जानबूझ के वाली फिल्म खराब की थी। तो इसीलिए तुम देख लेना टॉड फिलिप्स का स्टेटमेंट, उसने खुद कहा है कि उसे नहीं पसंद आ रहे थे कि लड़के मतलब लोग जो है उसे आइडियलाइज कर रहे हैं, वो इतना अगर टॉड फिलिप्स ने ऐसा बोला है इतना स्टूपिड उसका स्टेटमेंट है ना, मैं बोलूंगा तुमने नाम लिखा है जोकर, तुमने कैरेक्टर यूज किया डीसी के यूनिवर्स का जोकर और तुम बाद में बोल रहे हो कि मैंने जो चीज दिखाई थी वो गलत, पूरा अजीत भाई इन लोगों ने चेंज कर दी, पहली पार्ट भी बेकार कर दी, अगर कोई जोकर 2 देख लेगा उसे पहली भी बेकार लगेगी। नहीं 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 मैं भाई पहली में भाई वो जोकर रहा ही नहीं, पहली पूरा कैरेक्टर अंडन कर दिया उन लोगों ने, करा है, देखो देखो जो बोलो बोलो अलग कर दिया तो उन्होंने, अरे अरे सकाता ना आवाज नहीं है तुम्हारी, बहुत कम है आवाज, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी क्लियर। तो मैं ये बोलना चाहता था कि हमें एक्सपेक्टेशन क्या था कि जोकर जोकर की स्टोरी एक्सपांड हो या फिर उसके मैडनेस में हार्ली आ जाओ, हाँ मतलब हमें अच्छे से मैडनेस देखने को मिले ना दोनों हार्ली क्वीन और जोकर की। चलो चलो इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है फिलिप थॉट ने जो जोकर 1 मूवी बनाई थी इतनी शानदार बनाई थी, क्या वो सीक्वल इस तरीके से बर्बाद कर सकता था क्या, बताओ। टॉड फिलिप्स के पास जो आइडिया था, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो मेरे को पता है, जो मेरे को बताई गई है, टॉड फिलिप्स का जो विजन था वो बहुत तगड़ा था और अभी भी अगर वो बनाता ना तो लोगों को वो मूवी बहुत ज्यादा हिट करती जो जोकर उसने बनाई थी, जो सोची थी। लेकिन उसके बाद उसका विजन है ना, मतलब दूसरे पार्ट पहला पार्ट जब उसने बनाया था ना वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स निकल गया, काफी ज्यादा चल गया, उसके बाद चल गया तो बाद में टॉड फिलिप्स को एक चीज पसंद भी नहीं आई कि लोग उसे आइडियलाइज। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो फेक स्टेटमेंट है, मैं बोलता हूँ ना क्यों किया, मैं तुमको कन्फर्म करके बताता हूँ, ये एक चीज हो गई उनकी तरफ से, उसके बाद आया कि भाई दूसरा पार्ट बनाना है तो फिर सोचे कि क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, फिर फिलिप थॉट ने फिर से मार्टिन स्कॉर्सेसी की बुक उठाई, कुछ पिक्चरें उठाई और उसने फिर से इंस्पिरेशन ली, उसके बाद फिर उनके पास आगे का विजन नहीं था। ये प्लान कब हो गया, जब जेम्स गन डीसी के यूनिवर्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुआ था, वो आ गया था लेकिन इन्वॉल्व नहीं, उसके बाद जेम्स गन की हुई अनाउंसमेंट और जेम्स गन ने अपना आइडिया एक बार था पीटर का किसका तो नाम है प्रोड्यूसर, उनके साथ में मिलकर के डीसी वालों को दिया और डेविड को, सुनो डेविड को ये प्लान इतना तगड़ा लगा कि भाई इनका विजन क्या हुआ, मैं डेविड को ये प्लान इतना ज़्यादा तगड़ा लगा कि भाई उसने बोला कि जेम्स गन ये आगे यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर सकता है, तो ये एक हो गया। उसके बाद फिलिप थॉट को फिर वापस से पूछा गया कि तुम जोकर के यूनिवर्स को एल्स वर्ल्ड में आगे कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन फिर वहाँ पर बात निकल कर आई फिल्म की फीस की, जो ऑलमोस्ट 200 मिलियन जा रहा बजट, ओवर बजट, सारे एक्टर्स ओवर चार्ज कर रहे, ये एक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और नाम निकल कर आया और वो नाम है मैट रीव्स का, बंदे ने एक सीरीज अनाउंस की थी याद होगा अरकम असाइलम की, उस विजन में उसने कुछ और प्लान सोच रखा था, लेकिन उसके बाद जब उसको दिया गया ना जेम्स गन ने कि भाई तू इसके यूनिवर्स को देख, तू एज अ प्रोड्यूसर भी रहा, उसने सारे उसको दे दिए, उस बंदे ने एक अच्छा खासा यूनिवर्स एल्स वर्ल्ड का लिखा है और पेंगुइन चल रही है, लोगों को पता है कि कितना तगड़ा जा रहा है। उसके बाद उसके पास कई सारे विजन है कि वो जोकर के यूनिवर्स में क्या कुछ कर सकता है रियल रख के एल्स वर्ल्ड दिखाते हुए, तो उसकी जो प्लानिंग थी और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो बहुत तगड़ा है।
इसके चलते स्टूडियो ने सेक्रीफाइस करने बोला इसको, फिलिप थॉट वाले यूनिवर्स को, कि भाई तुम्हारी जो कहानी है उसको रैप अप करो, कुछ भी करके उसको ख़त्म करो, आगे नहीं बढ़ाना है। तो इन लोगों को तो अमाउंट मिल गया, अमाउंट मिलने के बाद पिक्चर के बाद में कैसा क्या करना है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टूडियो की। उसके चलते ये फिल्म बलि चढ़ गई और इसकी बच गई बैंड, और इन लोगों ने पूरी मूवी ख़राब कर दी, लिटरली पूरी मूवी ख़राब है। और इस मूवी को एक एडिटर ने मतलब एडिटिंग करके बचा लिया कि भाई कुछ भी कर लो। और सोचो 4 साल पुरानी थियरी पड़ी हुई है अभी भी ऑनलाइन, ये हीट लेजर वाली जोकर की, उन लोगों ने उस सस्ते वर्जन को उठा करके फिल्म में डाल दिया। कितना गंदा काम किया भाई, इतना चीप और घटिया सा काम करके उन लोगों ने लोगों को दिया और एक घटिया सी मूवी बना करके दी, और लोगों को वो सो कॉल्ड सिनेमा लग रहा है भाई। हंसी आती है मेरे को मन में देख करके। अजीज भाई मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को ही है क्या, मैं भी बोरिंग है क्या? एक एक करके भाई, मेरे को ना एक एक करके, एक सेकंड एक सेकंड, पहले कौन बोल रहा है, लीजन बोल रहा था, सुन तो लो, मैं वो पूछ रहा था कि ठीक है की जो सीरीज थी, हां एक मिनट लीजन बोल रहा था, हुई थी ना वो, बोलो, मैं कह रहा था जो आर्कम असाइलम की जो सीरीज थी वो कैंसिल हो गई थी ना, उसकी न्यूज आई थी बीच में, वो कैंसिल, वो अपग्रेड हो गई है, उसमें कुछ और विजन्स जोड़े जा रहे हैं और वो कुछ अलग प्लान के साथ अनाउंस होगी, वो कैंसिल हो चुकी, अच्छा अच्छा कैंसिल नहीं हुई है, वो अपग्रेड हो गई, कुछ और स्टोरी दिखाने वाले थे ना अजीज भाई, क्या अजीज भाई एक एक करके मेरे को बोलो, आपको अजीज भाई क्या मारो पीस में, अजीज भाई आपसे ना एक एक बात मेरे को पूछनी है अजीज भाई आपसे, हां बोलो, ये जोकर जो मूवी है, चलो ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि सिनेमैटिकली उसने मतलब, लेकिन कई मेरे को देखते हुए ऐसा लगा, आपने एक फिल्म देखी है ब्लैक स्वान आई थी एक, हाँ? नेटली पोर्टमैन वाली, अगर हम जोकर को देखते हैं ना, हाँ? जब भी उसकी कॉमिक्स पढ़ लो या कोई भी कहानी देख लो, हाँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लीनियर केओस है उसकी मैडनेस के पीछे, मतलब केओस है लेकिन हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो उसको केओटिक दिखाते हैं लेकिन पता होता है कि जोकर कहीं ना कहीं एक से दूसरी कड़ी जोड़ के अपनी मैडनेस दिखा रहा है, अपना जो भी प्लान है कर रहा है, हाँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भाई, इसने ना ब्लैक स्वान वाली थीम उठाई, ठीक है, और उसके अंदर इसने जोकर की मैडनेस को एम्ब्रेस करने का ट्राई किया, हाँ। और मुझे लगता है कि मतलब आइडिया पूरा नहीं था, हाँ। लेकिन ये बंदा पूरा नहीं कर पाया उसे, मेरे को ऐसा लगता है भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, जो दूसरा बोलो बोलो कौन बोल रहा है, मेरी भी एक थियरी है कि यार काफी लोगों को मूवी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि जोकर वन भी जब जोकर वन भी जब रिलीज हुई थी ना, तब मेरे थिएटर में भी काफी ऐसे लोग थे कि जो सो गए थे या तो फिर उठ के चले गए थे, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि ये बहुत स्लो सिनेमा है, नहीं तो ठीक है, हम ऑडियंस एज एन ऑडियंस हमें पता है ना, मैं बोल रहा हूं वजह से चली थी जोकर वन, हाँ के नाम पे चली थी, जोकर अपने को सुपर बढ़िया था, लगी जोकर क्यों पसंद है, क्योंकि जोकर को अपने एज अ हीट लेजर देखा है कि जो फुल टॉस क्योटिक है कि उसका नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है वो अपने को पता ही नहीं चलता, और यहाँ पे एकदम स्लो फेज में जोकर चल रहा है ऐसा लगता है अपने को, तो काफी ऑडियंस ऐसी हो जाते हैं कि यार ये वो जोकर नहीं है कि जो हमने कॉमिक्स में देखा है, या तो फिर एनिमेटेड सीरीज में देख लो कि जब वो सुपरमैन की वो लुइस को जब मार देता है और सुपरमैन जेल में आता है और सुपरमैन एक पंच से उसके आर पार चला जाता है, मार देता है जोकर के आर पार कर देता है, मार देता है, हाँ, तो अपने को वो जोकर चाहिए था, और यहाँ पे जो जोकर है वो काफी स्लो है, हाँ नहीं तो सोचा नहीं, मैं ये बोलूंगा पहले पार्ट में उन लोगों ने उसको बिल्ड कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसकी स्टोरी हाँ, सब कुछ बना दी थी, सेकंड में उन लोगों ने जब बकचोदी करी है कि भाई अजीज भाई मैं बोलूं, एक मिनट, हाँ बिली 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 बोल रहे थे ना, बोलो बोलो, नहीं नहीं सर अजीज भाई प्रकाश बोल रहा, अच्छा बोलो प्रकाश, अजीज भाई बोल रहा हूँ कि देखो मैं तो मूवी देखने गया, मेरे को मूवी ठीक ठाक लगी, खराब नहीं लगी, मेरे साथ मेरी वाइफ गई थी, मैंने मूवी 2 बार देखी, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने वाइफ कर देखी तो उसको अच्छी लगी मूवी, ठीक है, वो मेरे को पूछ भी रही थी कि ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या दिखाया, लास्ट में क्या होगा, एक्साइटेड थी, ठीक है, मैं भाई के साथ भी देखने गया, वो भी सेम, उसने ना फर्स्ट पार्ट देखी है ना, उसको जोकर के बारे में इतना कुछ पता है, जबकि मेरा भाई मार्वल सारी मूवी देखता है लेकिन जोकर डीसी का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मूवी उसको टोटल और अच्छी लगी, ठीक है, और मेरे को मूवी ठीक ठाक लगी, खराब नहीं लगी, जैसे लास्ट में वो बोल रही थी कि इसको मार दिया अब क्या होगा, तो मुझे लगता है ना कि मूवी इस तरह से ही बनाई है कि जोकर का एंड हो जाए, क्योंकि ये कैरेक्टर जो हमको दिखाया फर्स्ट पार्ट में ना, कैरेक्टर जो फर्स्ट पार्ट में दिखाया ये एक तरह से इसका बिल्डअप था, देखो सेकंड पार्ट में इसको ये दिखाया कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है ना,
कि मैंने भी मारा है सबको, मैंने किया है वो किया है, वो तो बहुत बचकाना आर्गुमेंट था उनका। स्टार्टिंग में ध्यान दो, देखो स्टार्टिंग में देखो आपको हम लोग को कार्टून का सीरीज दिखाते ना छोटा सा, देखो उसमें क्या दिखाते हैं, उसका पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि उसके दिमाग में एक्चुअली उस समय क्या चल रहा था। उसके दिमाग में ऐसा है कि उसने मारा ही नहीं है, उसकी एक शैडो है, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन द एंड देखता है कि वो शैडो वापिस आ गई और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो उसके दिमाग में उसने मर्डर नहीं किया है, जो उसने मारा था लाइव टेलीविजन उसने नहीं किया है, उसकी एक सेकंड पर्सोना है उसने किया, जैसे उसकी परछाई होती है ना, वो चली जाती है स्टेज में। मैं प्रकाश उसके बारे में बताओ, जो एनिमेशन का उन लोगों ने डिसीजन क्यों लिया था शुरुआत में, क्योंकि कहानी चेंज हो गई थी और एक्टर वापस रीशूट करने नहीं वाले, नहीं मैं बता रहा हूँ रीशूट करने के लिए आने वाले नहीं थे, तो इन लोगों ने बोला कि एक स्टोरी एनिमेटेड कर देते हैं और उसको नरेट करके आगे निकाल देंगे, तो तब जाकर इनकी स्टोरी शुरू होती है। सोचो मतलब स्टूडियो कितना एफर्ट डालता है, जब इनकी मतलब मूवी खराब हो जाती है, जो विजन सोचा गया था वो विजन नहीं बनाने देता स्टूडियो, कि भाई तुमको मूवी खत्म कर दो, डायरेक्टर को कुछ ना कुछ करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इस फिल्म के साथ लास्ट में क्योंकि देखो अजीज भाई कल को जाके अगर ये मेन डीसी में कनेक्ट होता ना, हम लोग जोकर को इतना वो नहीं कर पाते कि भाई तो इसको मारो ये करो। हाँ एग्जैक्टली अभी, लेकिन लेकिन ये सोचो इन लोगों ने एंड में जो चीज की हीट लेजर का जोकर डाल करके, वो कितना भाई कितना बचकाना और इतना बेकार लगा था ना मेरे को, कि भाई क्या डाल दिया तुमने इसके अंदर, भाई क्यों किया तुमने। अजय मुझे पता है क्या लगता है मूवी में सबसे खराब क्या है, गाना तो खराब है, नो डाउट। अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ और चीज करते ना, क्योंकि देखो मैं बोला ना कि किसी को कुछ पता नहीं है, जैसे मेरी वाइफ को भाई को, वो लोग को बस ये बोरिंग लगा कि मूवी में गाना क्या था समझ में नहीं आया, तो उसकी जगह कुछ और अगर वो लोग लेते ना तो मुझे लगता मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती, भले ही हाँ इतनी वो लोग कवर अप नहीं कर पाते, मुझे लगता गाना ये लोग को बिल्कुल हटा दे। मतलब मैं मानता कि वो लोग ने उसका एक्चुअली साइकोलॉजिकल वो उसके दिमाग को दिखाने के लिए किया है, लेकिन कुछ और भी कर सकते थे उसकी जगह, मुझे लगता है बहुत अच्छे से। क्योंकि पहले बोलो ना तुमको स्टार्टिंग में याद है वो गाना गा रहा होता है जेल में, फिर अचानक देखता है कि मैं तो गाना ही नहीं गा रहा था, बोले अभी क्लियर हुआ था, हाँ मैं गाना ही नहीं गा रहा था, मतलब कुछ और तो था, तो वहाँ देखो ना मतलब हाँ जो डायरेक्टर ने अपना टच रखा ना शुरुआत में, पता चलता है कि भाई मूवी अच्छी जा रही है, और हाँ, फिर से ये मूवी अपने को घुमाएगी कि क्या असल है और क्या बोलते हैं ना उसका डिल्यूजन है, वो अपने को फिर से पता नहीं चलेगा। उसके बाद फिर मूवी खुले खुले दिखाना शुरू कर देगी, अभी ये होगा अभी ये होगा ये ऐसा पता चलता है, फिर वही उसके बाद कुछ दिखाया ही नहीं कि भाई डिल्यूजन है कि सच है, वो भी समझ में नहीं आ पाता। एग्जैक्टली, और ये तो कंफर्म है कि लास्ट मर गया, वो मर गया, वो तो कंफर्म हो गया ना, वो तो कंफर्म हो गया। इवन मैंने ये भी पूछ लिया, वो जो दिखाया गया था वो कौन है, मेरे को कंफर्म बोला गया कि वो हीट लेजर का जोकर है। बोलो ऐसा कितना, तो नहीं है ना कि जोकर की लेगेसी कंटिन्यू करेगा, नहीं खत्म ये पूरा खत्म कर दिया उन लोगों ने, वॉकिन फीनिक्स का जोकर डेड है। एक मिनट बिली भाई, रोनी भाई एक मिनट, वो जय भाई की थियरी है कुछ, बोलो भाई। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि ऐसे वो थियरी नहीं, मतलब कि मेरे को ऐसा कहना है कि इन लोगों ने जब ये अनाउंस किया ना कि जोकर 2 म्यूजिकल होने वाली है, हाँ। तभी से सब लोग स्केप्टिकल हो गए थे कि यार म्यूजिकल क्यों, सब म्यूजिकल आधे लोगों का नहीं चला गया। अभी जैसे हम जैसे फैंस हमको पता था कि हार्ली क्विन का कैरेक्टर आ रहा है, म्यूजिकल होना कंपलसरी है, हाँ। और लेकिन फिर भाई अच्छा। पिक्चर देखने का बर्बाद हो गया सब कुछ। अब देखो लेकिन ऐसे लोग हैं अभी भी और कि जो म्यूजिक नहीं सुनना चाहते हैं कि यार म्यूजिकल के जॉनर अलग है, कि उनके लिए अलग से पिक्चर है, जोकर को उसमें इंक्लूड कर दिया ना, तो इसलिए ऑलरेडी काफी मेरे ग्रुप में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले मना कर दिया था कि यार ये म्यूजिकल है ना, तो यार इंटरेस्ट नहीं बोलते भाई, 10 में से अगर हम 10 लोगों बोलोगे ना फॉलोअर इन लोगों, मैं बोलूंगा इन लोगों ने अनाउंस बताया था कि ये लोग मार्टिन स्कॉर्सी का वो अडैप्ट करेंगे, फिर से इंस्पिरेशन लेंगे, न्यूयॉर्क मूवी की तुमको स्टोरी लेनी थी और कुछ नहीं करना था भाई, तुमने उसमें भी भाई गुड़गोबर कर दिया। ये हुआ था भाई। बस उन लोगों ने ना, मुझे क्या लगता है उन लोगों ने ना रश में काम किया होगा, रश में मतलब लास्ट में एडिटिंग करके एक हिसाब से आपको मूवी खत्म कर दी सीधे सीधे। रश में काम भाई, करीब 5 साल बाद आ रही पिक्चर, रश में ना उन्होंने कर दिया। हाँ अब बोलो रोनी भाई, एक मिनट हाँ रोनी भाई अब बोलो। हाँ अजीत भाई मैं क्या पूछ रहा था कि मतलब जो फिर जो बैटमैन का पोस्ट क्रेडिट था, तो उसका क्या होगा, बैटमैन का कौन सा पोस्ट क्रेडिट था ना, जोकर है
जोकर हीट लेजर बोला तो उन लोगों ने हीट लेजर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया भाई। अरे क्या बोलते हैं, समझा नहीं, समझा दोगे? द बैटमैन का पूछ रहे भाई, द बैटमैन का जो एक एक करके बताओगे तो समय। रोनी भाई हाँ बोला ना, केन तुम एक्सप्लेन करो। हाँ भाई अजीत, मैं कह रहा हूँ कह रहा है कि बैटमैन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है शायद उसका जोकर की बात कर रहे हो। वो तो आएगा ना फ्यूचर में, अभी तो ईयर 2 शुरू हुआ है, बाद में उनकी स्टोरी ये सब कुछ भी दिखाया, वो आगे बताएंगे वो लोग कि क्या करना। शायद अर्कम की सीरीज में उसको बैटमैन 2 में तो नहीं आने वाला है ना जीत भाई? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं छूएंगे जोकर। मैं वही पूछता हूँ फिर, वो जोकर क्या अलग जोकर है? हाँ वो अलग, मैट रीव्स का विजन ही अलग है, एकदम अलग जोकर है भाई, बैरी केओगन का जोकर है वो। हाँ ये कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज था, कितना बोल रहा था? अब बोलो, मैं बताऊं। हाँ बोलो, अबे मैं उनको कंप्लीट कर दो, बोलो कौन है? आप बताओ। मैं कह रहा था, मैं लाइक जितना मुझे समझ में आया, जैसे तुमने बताया कि पहले उसका और कुछ टॉड फिलिप का और कुछ भी हो गई था, और कुछ विजन था, एंड उसके बाद में फिर जेम्स गन आया एंड सारी चीजें हो गई, पूरा मिट्टी हो गई रेड। तो उसमें क्या है कि पहले तो जैसा ऐसा सुन के लग रहा है कि जोकर फुल ऑन अपना रेज मोड में जाता और एक्चुअल जो जोकर है कॉमिक वाला वैसे ही वो बताओ क्या था, हार्ली क्विन उसकी बैंड बजा देती, ये होता। ओके ये था उनका मतलब कि बोलो जैसा इसमें हुआ ना। और ये भाई भी जो आपके पास जो भाई बोल रहे थे, उन्होंने ये भी बोला कि जोकर को एक्सपेक्ट करके गए थे कि हमें मैडनेस देखने को मिलेगा एंड हार्ली रहेगी, म्यूजिकल होगा तो पूरा ओवरऑल लाइक वैसा टाइप का केओस एकदम देखने को मिलेगा, जो कि इस मूवी में शुरू से ही एकदम क्लियर कर देते हैं कि इट्स नॉट अबाउट जोकर। अभी देखो क्योंकि जोकर का तो अलग अलग प्रोजेक्ट हो गए, स्टूडियो ने मना कर दिया कि तुम्हें बस ये मूवी बनानी है, तो फिर डायरेक्टर के पास बचा क्या, क्रिएटर के पास, कि ये मूवी अब चालू कर दी है तो रैप अप करते हैं। तो उन्होंने जोकर ना छोड़ के, जोकर को छोड़ के आर्थर फ्लेक को उठाया और उसकी कहानी को क्लोजर करने का सोचा, जो कि ये देखने के बाद में मुझे लाइक पहली जब पार्ट मैंने देखा था तो वाज लाइक कि ठीक है अभी दूसरा पार्ट बनाना नेसेसरी नहीं है, बट जब दूसरा पार्ट देखा तो फिर मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली नेसेसरी था, जोकर ने जो क्राइम किए हैं उसका पे ऑफ क्या होगा, है ना? तो उसके जो ऑडियंस है पूरे एकदम दोनों साइड में आ गई है जैसे द बॉयज में होता है, एंड उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो उसे चूज करना सोचा। और जहां पर रही सॉन्ग की बात, सॉन्ग तो मतलब कि मैं पहले तो एक्साइटेड नहीं था जोकर दिखाना ही नहीं तो फिर जोकर नाम ही क्या रख रहे हो? हाँ वही वही क्लिक बेट। अरे मैं बोल रहा हूँ इंडिया में तो नहीं हुआ था, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, इंडिया में तो नहीं हुआ था लेकिन बाहर ना बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी मूवी को लेकर के, मतलब एक पूरी ऑडियंस आ गई थी जो चढ़ गई थी मूवी, भाई ये क्या बना दिया तुमने वन में, तो उन लोगों ने इस बार क्या बोला कि चलो मूवी को एंड ही करे ढंग से, तो उन ऑडियंस को भी खुश करते हुए जाते और बताते हैं देखो भाई इसका इंपैक्ट कितना बुरा होता है, उन लोगों ने फिर उनकी राह पकड़ी और मेजॉरिटी ऑडियंस से बैंड बजवा लिया। लेकिन यार बहुत बेकार डिसीजन था, आठ सिनेमा बनाने चले थे लेकिन टट्टी बन के रखे। पर अलीर भाई अब दोनों साइड से गाली पड़ेगी इनको। अरे बहुत बड़ी भाई, सोचो दूसरी तरफ पेंगुइन चल रही है और इन लोगों ने भाई पेंगुइन के साथ ये बोलते ना एक अत्याचार सा कर दिया, मैं तो बोलूंगा ऑडियंस और चिढ़ जाएगी भाई, ऑलरेडी डीसी से चिढ़कर बैठी है, पता लगा भाई सुपरमैन बाल में झेल रही है, सोचो मुझे तो भाई चलना पड़ेगा। उन्होंने यूज किए हैं मुझे तो अभी सही लग गया क्योंकि क्लासिक्स तो तुम्हें पता ही है, दैट्स लाइक जिस टाइम चला मैं ऐसा मैंने कहा उसी के सॉन्ग के चक्कर में मैं दोबारा देखने गया, ऐसा फ्रैंक सिनेट्रा तो तुम्हें पता ही है यार कितना सही है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बजा रहे थे ना शुरू में इट्स अ मोस्ट वंडरफुल टाइम, और उसके बाद में फिर वो दैट्स लाइफ एंड आई वाज लाइक कि बहुत सही यूज कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है लोएस्ट ग्रॉसिंग बन सकती है मूवी डीसी की? भाई फ्लैश से भी कम कमाएगी, असम्पशन तो वही किया जा रहा है लेकिन देखते हैं कहां जाकर रुकती है, अगर 450 नहीं गई ना मूवी बॉम्ब हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। नहीं जाएगी भाई 121 साइड गई है अभी वर्ल्ड वाइड। हाँ देखते हैं आगे और कितना है, मेरे को लगता है कि शायद 200 पहुंच जाए। 80 मिलियन शायद पार हो गई ना, अभी मैं वैरायटी का देख रहा था कितना कितना डिस्काउंट
30 मिलियन सर पार कर गई। अरे 120 मिलियन 140 मिलियन डोमेस्टिक हुआ है और 120 वर्ल्ड वाइड हुआ है। कल देखा हाँ बोलो अजीज भाई बोलो बोलो। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो काफी टाइम से डीसी के लो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा रहा है हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं से लोगों को अंदर से डिस्कनेक्ट फील होता है, इसीलिए लोग मूवी ही वॉच करना नहीं चाहते अभी? हाँ, कि ये तो आखिर में पे ऑफ क्या है कि अपने ने देखा कि फ्लैश के साथ क्या हुआ, एक्वामैन के साथ क्या हुआ, ठीक है कि आखिर में जाके कुछ होना ही नहीं है, लाइक कि कोई बिग ग्रुप अप होना ही नहीं, टीम अप होना ही नहीं है इनका, तो फिर क्यों वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो? हाँ तो ऑडियंस सीधे रिजेक्ट कर देंगी ना, मतलब वो मैं बोलूंगा वो लोग जाएंगे देखने के लिए, मतलब जिनको पड़ी नहीं है यूनिवर्स की, भाड़ में जाए, हम जाएंगे मूवी एंजॉय करेंगे और खत्म। लेकिन जो अपने जैसे जो उम्मीद लगा, अपनी उम्मीद तो मर गई, कंटेंट भी अच्छा नहीं ना बाकी है, उम्मीद अपनी मर गई कि भाई जब आगे जाकर के कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा तो खत्म करो, ऐसा है। और मैं तो बोलता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ। मुझे क्या लगता है कि बोलो 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 कि ये जो आखिर में जो जोकर का उन्होंने जो हीट लेजर से वाले के से भी कनेक्ट किया ना, तो मुझे लगा नहीं उन्होंने कि के लिए उन्होंने कुछ थॉट प्रोसेस आगे फ्यूचर में रखा है, कुछ भी नहीं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना 2020 की पड़ी होगी, मैं बोल रहा हूँ 2020 की फैन थ्योरी पड़ी है, वो पढ़ लो उठा के, सेम वही है, वही चीज। ऐसा होता है ना जैसे कि सुनो वेनम 2 के एंड में कैसा हुआ था कि स्पाइडरमैन दिखा था इसीलिए सब लोग देखने चले गए थे, मैं भी खुद ऐसे ही गया था कि भाई स्पाइडरमैन दिखा है मूवी में तो मैं जा रहा हूँ। कई लोगों को उन्होंने अभी ऐसा सोचा हो कि हीट लेजर का वाला अगर ट्विस्ट डाल दो ऑडियंस चली आए, बोल सकते हैं मतलब उस पे बोल सकते हैं। अरे मैं इसका एग्जाम्पल भाई मैंने मतलब जब मूवी देखी थी ना, मैं इधर आकर बोला था तो कुछ लोग हो गए थे ट्रिगर, मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने, तो होते हैं। हाँ, हो सकता है कि भाई कई लोगों को क्योंकि हीट लेजर का ऑफकोर्स वो दिल में बसता है यार, वो दी बेस्ट जोकर है अपना, बहुत बहुत ज्यादा उसकी मैडनेस भाई, वो उस पर फिर कभी बात करेंगे। और इस जोकर के आने के बाद प्रूफ हो गया कि हीट लेजर का ही बेस्ट है, अच्छी है। जो बंदा फर्स्ट मूवी देखा अगर सेकंड मूवी देख ले उसे फर्स्ट मूवी बेकार लगने लगेगी, बोल सकते हो एक हिसाब से मर सी जाएगी भाई, बोलते ना जो भी उम्मीद जितनी थ्योरी बनी होगी सब बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचो जो फर्स्ट पार्ट में इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं अगर ऐसा दिखाए तो। हाँ बोल सकते हो। और किसकी कुछ उम्मीद है, इसीलिए तो डिसअपॉइंटमेंट है सब में। मुझे तो हर चीज सही है, मैं बोलूं अगर पॉजिटिविटी ढूंढ रहे तो बेस्ट है, मैं बोलता हूं आज की नेगेटिविटी के टाइम पर। एक तो ये वॉकिन इतनी सही एक्टिंग करता है यार, वो लास्ट वाला सीन मैंने रियलाइज भी नहीं किया, पहली बार जब देख रहा था मेरे आंखों से आंसू निकल गया, लाइक मैंने रियलाइज भी नहीं किया, बाद में ध्यान दिया कि अब एकदम दिल में धक्का बजा, बहुत खतरनाक। लेकिन यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी यार कि भाई क्या कर दिया। सोचो ना मतलब अगर कोई मतलब बोले कि भाई ये पहले अनाउंस किया गया था हिंदी में रिलीज कर रहे सब कर रहे, लेकिन जब रिस्पॉन्स इसको पता चला कि मूवी नहीं चलने वाली है तो इन लोगों ने हिंदी डब सब काट दी कि भाई कुछ मत करो जैसी आ रही है। हाँ बोल रहा हूँ ना, सब कुछ रेडी था इनकी तरफ से, लेकिन पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं गिरा, तो बात हो रही थी मतलब मेरी बात हुई थी तो बोले इसका मतलब उनको उतना फीडबैक नहीं मिल रहा है तो मुश्किल है मूवी हिंदी में डब होगी, नहीं करने वाले और मूवी तो मतलब इंटरनेशनल हाइप पर नहीं है। कॉस्ट कटिंग हो गई। हाँ कॉस्ट कटिंग करेगी ना वो लोग, तो भाई ऑलरेडी 200 डाल दिया भाई, सब लोग एक्टर एक्टर लोग ले करके लाल हो गए भाई। हाँ 1-2 करोड़ बचा के नहीं और भी, अरे मार्केटिंग भी होती ना तो बहुत अच्छा खासा खर्चा करते हैं, 80 मिलियन का बजट रख देते हैं लोग ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज पे, तो वो सब छोड़ दिया भाई खत्म करो, चलो इसको दी एंड करके अब जेम्स गन के पूरे विजन पर फोकस करो आगे, ये हो गया। अब मेरे को तो ये देखना है, सोचो भाई अगर जेम्स गन का विजन कहीं पर भी लैक कर गया और अगर लोग कनेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा डीसी वालों का? मेरे को वो भी डर लग रहा है कि लेकिन मैं से बोल रहा हूँ, सुनो हाँ बोलो बात सही है अजीज भाई, अजीज भाई की बात सही है क्योंकि सुपरमैन ही एक आखिरी होप है डीसी यूनिवर्स को सर्वाइव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। और वो अगर मतलब पहले ना मैं ये बता दूं, लेकिन ये नहीं मैं ये बता दूं उस मूवी का, और मतलब जेम्स गन इनका पूरा विजन जो है ना
100 मिलियन 150 मिलियन उससे ज़्यादा ऊपर जाने का नहीं है, लेकिन सम हाउ सुपरमैन की स्टोरी लिखते लिखते इतनी ग्रेट हो गई, ऐसा जेम्स गन बोल रहा है कि उन लोगों ने मतलब उसका बजट थोड़ा बढ़ा दिया और मतलब एक अच्छी मूवी ढंग की बना के दी कि जो डीसी के यूनिवर्स को प्रेजेंट करे और आने वाले फ्यूचर को भी सेट कर दे। बाद में ये हुआ है, जेम्स गन पर भरोसा है। हाँ, और मेरी बात भी हुई थी कि मतलब मेरी जब बात हो रही थी तो उन लोगों ने मेरे को बताया था वार्नर ब्रदर्स की कैसे उन लोगों ने प्रिपेरेशन की है, बाइबल लिखी है, तो मैं भी एक्साइटेड हो गया कि भाई तुमने कुछ तो मतलब कुक करके रखा है, तब जाकर के इतना कॉन्फिडेंट। नहीं तो भाई कौन ऐसे थोड़ी ये करेगा कि एक बंदा आया है और वो बोल रहा है कि भाई इधर आएगा दीदी भाई, इधर आएगा सुपरमैन का, सुपरमैन का टीजर वगैरह। ये आई थिंक कॉमिक कॉन के इसमें इवेंट में कुछ वो लोग हिंट देंगे, डेविड ब्राजील कॉमिक कॉन ना, नहीं अभी न्यूयॉर्क का आ रहा है कॉमिक कॉन, उसमें वो लोग हिंट देंगे, अच्छा खासा देंगे और टीज करेंगे सुपरमैन के इसका यूनिवर्स का। और ये साल खत्म होने से पहले, लेकिन कब है ये क्या पता, मेरे को चेक करनी पड़ेगी डेट कब है, मेरे ख्याल से अगले महीने था, अगले महीने की यही मंथ में है, 19 तारीख था शायद, मैंने बोला था। आप 5 से 9 है, 5 से 9। जेम्स गन ना, बोलो बोलो। जेम्स गन ना बहुत स्पेशलिटी है उसकी कि वो अननोन कैरेक्टर्स को भी एकदम फेमस कर देता है। अपने ने मार्वल वाले रो दिए थे भाई जब मतलब वो गया था ना, तो मैं केविन फेगी की सोचने लगा था कि तगड़ा बंदा गया, सोचो उसके जाने की वजह से जो कॉस्मिक वाला यूनिवर्स अपने को एमसीयू में देखने मिल रहा है कितनी बुरी लगी पड़ी उसकी, देख लो वो उसकी वजह से मिल रहा है। अरे इन्फिनिटी वॉर उसकी वजह से हुआ, एंड गेम उसकी वजह से हुआ। हाँ भाई, तो मुझे उसके विजन पे भरोसा है कि बंदा संभाल लेगा। हाँ भाई, ऑडियंस ऑडियंस ना एक ऐसी एक ऑडियंस है कि भाई उनको आज भी वो 10 साल पुराने वाला उनको देखना है सुपरमैन। हाँ, और एक ऑडियंस है कि जो नए सुपरमैन को भी देखना चाहता है। हाँ, और ये कि बैकलैश थोड़ा मिलेगा जो सुपरमैन क्या करते हैं भाई। अभी देखो मैं कैसे मैं बोलूंगा, आने पर डिपेंड करती है, अगर मूवी ने अपने सब चीजें अच्छी रख रही है लोगों के सामने तो फिर कोई बुरा क्यों बोलेगा, मैं बोलता हूँ। और अभी भी अगर हैंडी लेवल पर भाई मैं तो बोर हो गया के लोग हैंडी लेवल का रोना लेकर के बैठते हैं। बोलो। हाँ यार, अब मुझे क्या लगता है कि यार ब्लू बीटल भी अच्छी मूवी थी, नो डाउट। वो ब्लू बीटल वो एंटमैन थी भाई, एंटमैन थी वो भाई, लिटरली एंटमैन मूवी थी, ठीक सोचो मतलब वो मूवी, उसको बाद में उन लोगों ने बोला कि कट नहीं कर सकते, उसके बाद अब जेम्स गन उस मूवी को करेक्ट करने के लिए भाई एनिमेटेड ब्लू बीटल मूवी बना रहा है कि भाई थोड़ी वैसी कहानी लेकर जाते हैं लेकिन अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करते उसको। लेकिन चलो ब्लू बीटल क्या इसी का पार्ट है क्या, नई यूनिवर्स का पार्ट है ब्लू बीटल ये वाला? फिलहाल तो जेम्स गन ऑफिशियली बोला है, ऑफिशियली जेम्स गन ने बोला है कि ये किक करेगी, लेकिन अभी थोड़ा बच के चलो, जब जेम्स गन एनिमेटेड निकालेगा ना उसके बाद उसको कंसीडर करना, वही एक्टर रहेगा उसके अंदर क्योंकि वो रीबूट कर रहा है, वो रीबूट कर रहा है भाई उसको, ये बोलूंगा। हाँ एक्टर वही रहेगा। अरे सुनो, मुझे क्यों लगता है कि डीसी को संभाल सकता है? डीसी को क्या, ये जो अपने ये जो जेम्स गन ने अपने डीसी के लिए पहली मूवी बनाई थी ना, हाँ, जिसमें हार्ले क्विन और वो थे जॉन सिना वाला, मैं तो भूल गया। हाँ, सुसाइड स्क्वाड, यस, जो पहली वाली थी विल स्मिथ वाली, वो इतनी मुझे खास नहीं लगी थी, लेकिन जब मैं दूसरी देखने गया तो मैं भाई पूरा एंजॉय किया मैंने वो। और वो भी देखो उसमें भी गलती, वो भी एक रीजन देख लो, वार्नर ब्रदर्स भाई उस डायरेक्टर का विजन काट दिया था उन लोगों ने, डायरेक्टर ने जो मूवी बनाई थी उसको बिना बताए उन लोगों ने ट्रेलर काटने वाली कंपनी से पूरी पिक्चर एडिट करवा के थिएटर में रिलीज कर दी, और डायरेक्टर शॉक्ड में कि भाई ये मूवी तो मैंने बनाई नहीं है, ये हो गया। सोचो पुरानी वाली जो डायरेक्टर भाई जिसने जन्म लिया वो बैठ करके बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, बोल रहा हूँ सोचो। अरे भाई पीस मेकर क्या, अरे भाई मैं कल से देख रहा हूँ पीस मेकर, वापिस से स्टार्ट किया मैंने। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ पीस मेकर बहुत डब्ल्यू था यार, मजा, मैंने दो बार देखा लेकिन बहुत सही था। क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है यूनिवर्स में सेट है ना जीत भाई। हाँ नए यूनिवर्स में भाई, उस वो बोलने पर ना नाम फिर चेंज करना पड़ेगा ना, सोचो वो बोलने पर फोटो दिखाने पे मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया भाई उन लोगों ने, कितने बुरे लोग है भाई ये लोग। अरे भाई भाई जीत भाई पीस मेकर क्या हुआ, पीस मेकर जो है जेम्स गन के यूनिवर्स में था वो। हाँ डीसी के यूनिवर्स मतलब शुरुआत होगी वो पहले सीजन से कनेक्ट रहेगा ना जीत भाई। क्या हुआ, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा ना, सीजन टू तो बोल ही नहीं सकते मतलब पीस मेकर अभी तो देख क्यों देखो जेम्स गन ने जो राइटिंग की है ना वो शुरुआत उसकी सीजन वन से जाके कनेक्ट करेगी, सीजन टू है लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा होगा, उसने बोला है कि वो डायरेक्ट डीसी के यूनिवर्स में आ जाएगा, कैसे मेरे को नहीं पता, देखने के बाद पता चलेगा
क्या कर रहे हैं वो लोग, मल्टीवर्स कुछ क्रेजी कर देंगे, मैं बोलता हूँ चलो देखते हैं अच्छा ही देख। चलो आई थिंक जोकर पर हो गया डिस्कशन, हेनरी केवल पे करना है तो वो कर लेते हैं। खैर तो ये थी जोकर की डिस्कशन, एक बार मैं बंद कर दूं याला, तो आपकी क्या राय बनती है बाकी आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली डिस्कशन में, बाय।